टाइम भी कितना चेंज हो चुका है ना. पहले हमारे पास फ़ोन तक नहीं होता था किसी से बात करने के लिए, या तो हमें बहुत दूर जाके चिट्ठी डालनी पड़ती थी अगर हम किसी से अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं. आज तो हम लोगों के पास फ़ोन है, सारे कम्युनिकेशन है, फिर भी पता है हम दिल की बात बोल नहीं पाते, जुबान पे नहीं ला पाते. और कभी कभी हम इतना रुसवा हो जाते हैं किसी से कि हम उसको ब्लॉक कर देते हैं अपनी लाइफ से. क्यों, आज टाइम चेंज हो चुका है क्या इतना ज़्यादा? आप क्या कहते हो कमेंट करके बताओ. फिलहाल चलते हैं एक खूबसूरत जगह जिसका नाम है भीमताल, जो कि पड़ता है नैनीताल से जस्ट पहले. भीमताल में अगर आपने भीम की कहानी सुनी है ना, तो उनकी एक छोटी सी स्टोरी है. कहा जाता है ये जो ताल बनी थी भीमताल लेक, वो उस टाइम बने थे जब वनवास के टाइम पे पांडवा इस जगह पर आए थे. क्या आपको ये पता है? वेलकम बैक टू माई चैनल. और मैं फाइनली जा रही हूँ नई जगह पे. पिछले एक घंटे से लव वेट कर रहा है मेरे साथ किसी और ब्लॉगर्स का भी. और थैंक्स टू भाई, ऑलवेज हेल्पफुल. आई एम गोना सी यू अराउंड. थैंक यू सो मच. लड़के फूल भी नहीं. सो मेरे साथ इस वक्त है बानी, बानी के साथ है दीपिका उसकी सिस्टर कजन, और मेरे साथ है लव, जैसे कि आप लव से मिल ही चुके हो. सो बानी कुछ बोलना चाहो, मतलब बानी मेरे कैमरे पे कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि मेरे को बस नहीं बोलूंगी. मैं बिल्कुल बोलूंगी. चाहिए भाई, रुक जा. लड़की तो एक स्टोरी बता दो गाइस. एक्चुअली बानी अब हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पूरे ट्रिप पे. बानी विल स्पीक एवरीथिंग. पहली बात तो अब ये बता, साक्षी कैसे मिले थे भाई? साक्षी से वैसे मिले थे कि मुझे साक्षी ने रिकरेक्ट किया कि साक्षी और मैं लाइफ पे थे. हाँ. और वहां पे लव आया था और लव ने फिर साक्षी का कंटेंट देखा एंड ऑलवेज लव अप्रिशिएट करता जिसका कंटेंट अच्छा हो, जैसे मेरा बहुत अप्रिशिएट किया था तो साक्षी का भी देख लिया था. अच्छा 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 अच्छा. नहीं, लव ने मुझे क्या बोला, साक्षी ने हरी भरी ना वादियां बहुत अच्छी लगी. ये हरी भरी कौन सी वादियां? इसके लिए अच्छा करना है हमारे लिए और जिससे हमें और दोबारा लेके जाए. ठीक है, कंटेंट भर भर के दे रहा है, डुबा देना है कंटेंट में. ले कंटेंट, ले कंटेंट. सुन लो गाइस, सुन लो. अब हम वीडियो में आएंगे तो भाई वीडियो पहुंच जाएगी. कॉन्फिडेंस देख लो भाई, लाइक करो इसके लिए, लाइक करो. सो वी स्टॉप्ड एट द मैकडॉनल्ड्स एंड मैडम से ले लिया. क्या लिया वैसे? हमने लिया है आलू टिक्की और आइस टी और गोलगप्पे. मुझे आगे गोलगप्पे बहुत पसंद है. जेनुइनली बहुत अच्छी होती है. अच्छा, दूध यूज करते हैं ये? दूध यूज करते हैं ये? क्या गोलगप्पे में मिल्क यूज होता है इनका? हाँ हाँ. मुझे लगा कि सही यार, जेनरली अच्छी गोल्ड मुझे लगा पानी में बना रहे थे ये लोग. नहीं मैं बता रही हूँ, पहले बहुत गंदी बनाते थे टट्टी. अच्छा अच्छी बना. चलो चले यार. फाइनली रीचिंग गाइस टू द प्रॉपर्टी. बानी फनी हरी बना, नाजुक सी लड़की, एक ना भारी बैग उठाते हुए देखो मम्मी. दैट्स माई बैग एक्चुअली ओवर देयर. दैट्स लव्स बैग. And that's the property, guys. It's going to be an amazing experience with them. I'm going to share the name also. We are in Bhimtal. I love it. I love it. She loved it. Thank you, Arre, arre, arre. Thanks to Love, actually. Love ka sponsorship hai na? Love sponsorship. No credit. No credit goes to you. So that's the room. Wow. और इसके बीच में ना एक डोर है गाइस. ठीक है, तो दिस इज अनदर रूम सो दैट वी कैन पीक इन अदर रूम. मतलब ये पूरा फैमिली स्टे काइंड ऑफ है जिसमें एक के साथ एक रूम फ्री है. वॉशरूम गाइस, लुक एट दिस वॉशरूम, दिस इज सो ह्यूज. साढ़े बारह और लुक एट मौसम, लुक एट हिज बाइक्स की स्टोरी बनाने में लगा हुआ है एंड चेक करो ना, प्यारा वेदर है, लव इट.
The very next day, but it's beautiful place, and मैं बहुत लेट जाके हूँ बिकॉज आई वॉज एग्जॉस्टेड. मैं सोई नहीं थी, मैं कब से नहीं सोई थी. मैं कल सिर्फ 4 घंटे सोई हूँ, फिर मैं गाड़ी ला गया और मैं जा रही 12:30 बजे और मैं नहा चुकी हूँ. दैट्स माय नाश्ता. गुड मॉर्निंग लव. हाय, गुड मॉर्निंग. अरे तुम लोग ने मुझे सोने कहाँ दिया 6:30 बजे तक. We found a place today. We will make you sleep there. अरे no, no, not at all, no. बिल्कुल कोई शोर नहीं आया बिकॉज हम रात को इतनी रात क्या सुबह 7 बजे तक बातें कर रहे थे. तो वी डिड नॉट रीड लेटर स्लीप. देन एक्चुअली क्या हुआ, सुबह सुबह हिज फ्रेंड्स केम हियर एंड दे वर आल्सो टॉकिंग शिट कि भाई मैं तो सो ही नहीं पा रही भाई. अरे दैट्स एक्चुअली रियली ट्रू. मुझे पूरी रात आवाजें आई है. मैंने इसे फैन टर्न ऑन स्पेशली कराया जस्ट बिकॉज मुझे किसी की आवाज सुनाई ना दे. सो यू कैन स्लीप इन द गेस्ट हाउस ना. हां एक्चुअली यू कैन. अरे सी 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 क्योंकि हम चुप नहीं हो रहे पहले अभी दूध पी लो. कितनी देर में आएगा? My God, love, this was too much. Yeah, I don't know why I'm like this. I don't understand it. Ab iski position bhi to dekho, she's there. Yeah, she's like. Billy aise hi baithti hai, itni cuteness se. She want a breastfeeder, chest feeder. So guys, वैसे इनके 5 रूम है. जो मेरे वाला रूम है वो ज्वाइंट है, जैसे कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ. उसके अलावा ये वाला रूम है, एक आगे रूम्स है. और मतलब ये जो 5 रूम है that is run by like as a homestay. And उसके अलावा जो सामने वाली जगह है वो renovate हो रही है अभी. So that is going to be beautiful cottage. और ये swimming pool भी बहुत जल्दी renovate हो जाएगा. तो मैं अगर आगे की तरफ जाऊँ, this is a very peaceful place. And these guys are shooting something. So it's बानी. बानी तो पूरी तैयार त्यू रोके घूम रही है. बानी की शक्ल देखो guys, कितना makeup पिक होता है ये बताओ कैमरे पे. मेकअप नहीं है, इट्स नेचुरल ब्यूटी. दैट्स द स्पिरिट एक्चुअली. दिस इज सो मच अमेजिंग प्लेस. आई जस्ट लव दिस. एंड दिस इज द 5th रूम एक्चुअली मेरे सामने. सो वहाँ पे 3 कमरे हैं, यहाँ पे इधर एंड इधर. ये 2-5 रूम हो गए. दैट्स मी. दैट्स रिसेप्शन एरिया. वहाँ से एंट्रेंस होगी. वो गाड़ी खड़ी है हमारी. ये एरिया भी रेनोवेट हो रहा है जहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं एंड ऊपर जा के यू नो अच्छे से बैठ सकते हैं. देयर इज अ झूला ऑब्वियसली. अगर आपको झूला झूलना यू नो प्लेस इज एक्चुअली वेरी पीसफुल. आप पीछे से आवाज़ सुन सकते हो. इवन इफ यू लक्की रहे तो आपको यहाँ पे एनिमल्स मिल सकते हैं देखने को. चीता भी मिल सकता है. दैट्स द कॉटेज. The best room of the property. So, oh, that's a bed. यहाँ बैठने की जगह. Over here is a kitchen. And ये वॉशरूम. पता मेरे को यहाँ के वॉशरूम सपने वाले तो बहुत अच्छे लगे. बहुत बड़े बड़े हैं. पता है मुझे सबसे ज़्यादा अपने रूम सुंदर लगे. मतलब यू नो अगर आप आ रहे हो हनीमून पर्पज़ या फिर अपने कपल के साथ तो कॉटेज इज रियली रियली नाइस. बट सबसे ज़्यादा मुझे अपने वाले रूम सुंदर लगे. ये जो झूला ऑल्सो सीसो झूलना किसी ने आना पड़ेगा यहाँ पे. सो नीचे की तरफ चलते हैं. आज मैं थोड़ा सा ट्रैक का प्लान है, मतलब ट्रेल का प्लान. इट्स नॉट ट्रैक ऑब्वियसली, इट्स अ ट्रेल. सो आज वॉकिंग का प्लान है, देखते हैं कहीं जो आप आते हैं. बट यू नो यू विल लव टू रिलैक्स हेयर हेयर. सो गाइस सब बिजी हैं और मैं ना एक चीज़ करने वाली हूँ. मैं ना लव का कैमरा गायब करने वाली हूँ एंड वन आई हाइड इट समवेयर. मैं उसी के बैग में हाइड करूँगी समवेयर और देखते हैं क्या होता है. ठीक है. सो गाइस ये ना लव का बैग है तो मैंने इसमें कैमरा रख दिया है. एंड इसको ना मतलब कुछ ऐसे करते हैं कि इसको पता भी ना चले कि इसमें कैमरा है भी, क्योंकि जब वो उसे खोलेगा ना तो उसको ये लगेगा कि हाँ कुछ रखा हुआ बट नॉट कैमरा. ठीक है, क्योंकि इसका लैपटॉप बैग है.
अब तुम क्या ढूंढ रहे हो? दिस गर्ल मस्ट हैव हिट। मैं कौन है? मैंने क्या किया? कैमरा ढूंढो। कह रही है मैंने छुपाया। चल चल मैं उसके लिए सेफ्टी पिन ढूंढने जा रही हूँ। शी इज फाइंडिंग सेफ्टी पिन। हां मैं उसके लिए सेफ्टी पिन ये सब नीचे छा रहा हूं। ढूंढ रहे हैं यहां पे ब्लॉग एडिट करने आज का। आई रियली नीड द कैमरा। मुझे क्या पता? तुमने छुपाया? मेरे को भी दे दे, मेरे को मैं बाहर जा रहा हूं। मैंने छुपाया? मैंने नहीं छुपाया। मेरे बस मैं ये काम नहीं करती। मेरा व्लॉग, मैं व्लॉग डाल रही हूं। मैं तुम्हारे सामने उतनी देर से, मैंने नहीं छुपाया। दीपिका को देखो, सेक्सो बन के घूम रही। दीपिका दे दो यार, मैं कंटेंट बना के लाऊंगा बाहर जाके। मेरे पास भी नहीं है, सॉरी। फीडबैक फ्रेक प्रैंक बना ले प्लीज। दीपिका क्या, आई नीड टू गो बिकॉज़ मैं आजकल बिल्कुल अपडेटेड व्लॉग्स डालता हूं 2 घंटे पुराने। सो आई नीड द कैमरा। तुमने कितनी देर पहले कैमरा कहां रखा था? इट वाज देयर व्हेन वी मेकिंग रील्स। एक तो कुत्तों की इनकी रील्स बनाओ, ऊपर से अब मैं कैमरे का ध्यान नहीं रखा होता, उन्होंने छुपा दिया। मैं सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुमने जाना है और तुम मुझे तंग कर रहे हो। हंसी नहीं रही, बस वेरी फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ किया अपनी लाइफ में। मेरे को इसलिए हंसी आ रही है। कैमरा चुपा लिया और मैंने इसी के बैग में रखा था। इसने 2 दिन बाद बैग खोला भी है, 2 से 3 बार, और इसको मिला ही नहीं कैमरा। आई टोल्ड यू इट्स साक्षी। अरे मैंने फर्स्ट टाइम सो गाइस दिस इज आवर लास्ट डे हियर। हाउ इज यू वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट मी। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा चिकन शायद मुझे कभी नहीं खाने को मिलेगा। मैंने बोला क्यों मर रही है? हां देख लो इसे कैसी बातें कर रही है। गाइस मारो कमेंट सेक्शन में इस गाली को, लिखो मत मर। हां तो गई है ये तो लड़की की है। The best chicken. Actually, कल का मुझे ना सबसे अच्छी तो वो दाल लगी। Oh my God, that was delicious. Wow, लवन दाल मतलब। मैंने कोई ये तो सपोर्ट में नहीं थे दाल के, कह रहे दाल कौन खाता है? हाँ, exactly, exactly. ये थी, ये तो बिल्कुल भी नहीं थी। अरे अरे, so how is the food like? It's amazing. The best part is, of course, the best part I would say this guy, no doubt about it. He creates vibe. Thank you. Yeah. The second best thing is, of course, I have been very honest. I will tell 3 best things, okay? The second best part is the food is amazing. Hmm. And third comes, of course, the room and everything is amazing. That's why we are here. Third part is yahan ki hospitality. Not by just him, by other people also. They are so committed. You will tell them at 1 o'clock, make a tea for... They will be like, haan, haan, banate hai, ruk jaiye. And the happy face. The most important thing is when people be very snooty. Chai boda kutta, you know. But they're like, okay, so... Exactly. We need to mention his name. दीपक द शेफ इज अमेजिंग। द लव मुझे भी फूड बहुत अच्छा लगा। आई एम पर्सनली टेलिंग दिस थिंग। चलो तो दीपक भैया ने स्पेशली खीर बनाई है हम लोगों के लिए एंड डिनर के लिए। हमारी मतलब हमारी सेसी ब्यूटी की स्पेशल फरमाइश थी। दिस इज आवर हार्ड वर्किंग दीपक भैया। थैंक यू सो मच। खाना बहुत डिलीशियस है दीपक भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। हे गाइस, दिस इज थर्ड डे। गुड मॉर्निंग विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। क्या ही बोलूँ, आप ऑलरेडी मेरे ब्लॉग में हो। दिस इज लाइक माई फूड फॉर टूडे। मैं फिर से बहुत सोई हूँ क्योंकि मैं सुबह 4 बजे सोई हूँ। इन लोगों को तो कोई होश ही नहीं है, सब सो रहे हैं अपने अपने रूम्स में। मेरे को खैर लोग उठा देते हैं। साक्षी उठ जा, तुझसे बहुत अच्छी उम्मीद है, तू बड़ी अच्छी है। हाँ लव सो रहा है सामने वाले कमरे में, ये दोनों सो रहे हैं इस कमरे में। एंड मैं ब्रेकफास्ट स्टार्ट करती हूँ, देन विल टेक अ बाथ एंड इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस प्लेस। आप लोगों ने पूरी प्रॉपर्टी देख ली, आपको कमेंट करके बताना आपको कि ये जगह कैसे लगी। बाय द वे जो हिरन के आगे सिंह है ना, ये असली है। और इवन यहाँ तो हिरन का ये फेस वगैरह मतलब ये भी सब असली। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ऑन टू रिकॉर्ड अगले पीपल। गुड मॉर्निंग, नींद खुल गई उनकी भी, खुली गई। इट्स टाइम टू फाइनली से गुड बाय टू दिस प्रॉपर्टी एंड दिस इज गोना बी ऑल द फन। मतलब बहुत प्यारा था ये एक्सपीरियंस। चले भैया हमारी तरफ। अच्छा अरे एक लास्ट क्वेश्चन है यार, ये जो बचे हुए सॉप्स होते हैं तुम उनके साथ करते हैं क्या? मुझे ये बता दो। हाँ वो एक्चुअली वो उठा लेते हैं, मैं कुछ नहीं। और फिर क्या करते हैं उसके साथ? नहीं वो खुद यूज कर लेते होंगे। इतने सॉप्स कौन यूज कर सकते हैं? मेरा हमेशा प्रॉब्लम है। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या करूंगी चुरा? नहीं नहीं, आई हैव मतलब मेरे को था कि मैं किसी प्रॉपर्टी ओनर से अगर अच्छे से बात करूँ ना, सो आई विल ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन, वो बचे हुए सॉप्स का आप करते हैं क्या? क्योंकि बहुत सारे होटल्स में बहुत सारे सॉप्स बच जाते हैं, बट वी डोंट नो उनके साथ
होता है क्या? तो मैंने जानबूझ के से कैमरा ओपन करवा के बोलना चाहे क्योंकि मैं आज इस प्रॉपर्टी में आई एंड गाइस एक सेकंड व्हेन साक्षी वाज टॉकिंग अबाउट कि मतलब मेरी अदर प्रॉपर्टी वाले बंदे से शी वाज टेलिंग मुझे इतना प्यार मिलता है गेट एवरीथिंग आई वांट एंड इतनी रिस्पेक्ट एंड लाइक एवरीथिंग दे डू एवरीथिंग फॉर मी एंड आज मुझे बिलीव हो गया क्योंकि साक्षी हैज दिस बॉन्ड विद ऑल द प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एवरीवन की यार लाइक जो वो जितना प्यार हम देते हैं ना उतना प्यार वो देते हैं एंड व्हिच इज वेरी नाइस दिस इज सो ट्रू मैं कभी भी किसी प्रॉपर्टी पे जाती हूं ना आई गेट सो मच लव पसंद आई हो अभी तो इस जगह में बहुत कुछ होने वाला है सो नेक्स्ट जगह हम जा रहे हैं बाय बाय